देवघर के बरमसिया चौक के पास स्थित बीकानेर मिठाई दुकान और रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। दुर्गा पूजा के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ यह छापेमारी अभियान चलाया गया है। वहीं छापेमारी टीम ने दुकान से सैंपल भी लिया। इस दुकान से लिए गए सैंपल को टीम ने जाँच के लिए कोलकाता के प्रयोगशाला में भेजने की बात कही है। वहीं छापेमारी के दौरान टीम ने बीकानेर मिठाई दुकान से मिठाई समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उसकी जांच की बात कही। टीम ने कहा कि त्योहार का मौसम चल रहा है, जिसे दुकानदारों द्वारा मिलावटी सामान अधिक बेचने की संभावना है। इसको देखते हुए टीम ने अभियान चलाकर दुकानों से मिठाई समेत अन्य सामानों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। दुकान में बेचने के लिए रखी गई खाद्य सामग्रियों मिठाइयों में मिलावट का संदेह होने पर उसका नमूना लेकर जांच के लिए कोलकाता के लैब भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 15 दिनों में लैब से रिपोर्ट आने की संभावना है। अचानक हुई इस छापेमारी से दुकान में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली और दशहरा उसी त्यौहार को देखते हुए हम लोग जांच अभियान चला रहे हैं, तो जितने भी देवघर जिला अंतर्गत होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, मिठाई दुकान हैं, यही सब की गुणवत्ता को हम लोग जाँच कर रहे हैं और सैंपल भी ले रहे हैं साथ में, जो जाँच होके लैब जाएगी जाँच होने के लिए। जैसे रिपोर्ट आएगी, जिस हिसाब से आएगी, फिर उसके बाद उस हिसाब से उसका कार्रवाई किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस प्रकार कुछ मिलावटी नहीं? प्रथम स्थानों में छापेमारी चल रही है, मतलब किस मिठाई के खाने की जितनी चीजें हम लोग सबको जांच करेंगे कि पब्लिक को शुद्ध और अच्छा भोजन मिले। क्या नाम हो गया? अच्छे होना भी चाहिए और अच्छे जो दुकान वाले हैं उनको तो और अच्छा है, जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है और लगने के कुछ शक्ति वाले को और आम नागरिक को भी पता चलना चाहिए कि कौन सा मटेरियल क्या यूज करते हैं और किसकी क्या गुणवत्ता है। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, हर पर्व के टाइम में दुर्गा पूजा और होली हो या दीपावली हो इस तरह की छापेमारी होती है। छापेमारी नहीं है, इसको कहें रेगुलर इन लोगों का जाँच है। अच्छा, न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।